क्वेश्चन नंबर छह देखिए, छह नंबर में हम लोग मान लेते हैं, माना जेड बराबर में दिया है माइनस का थ्री और प्लस जीरो इंटू आई, तो लिख ही सकते हैं ना जी, एक्स बराबर में माइनस का थ्री और वाई बराबर में है जीरो, तो पहले मापांक निकाल लेते हैं, आर बराबर में हो जाएगा रूट अंडर माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस में जीरो का स्क्वायर, यानी यहाँ थ्री ही आएगा, थ्री आ जाएगा। अब देखो इसके कोणांक की बात करते हैं, टेन थीटा बराबर में वही वाई बाई एक्स, यानी कि हो जाएगा टेन थीटा बराबर में वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू यहाँ पर वाई का वैल्यू जीरो है और एक्स का वैल्यू जो है माइनस का थ्री है। अच्छा यहाँ पे देखो, चूंकि एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है, माइनस में है, और वाई का वैल्यू जीरो के बराबर है, इसलिए थीटा थीटा एक्स अक्ष पर हो जाएगा ना जी, एक्स अक्ष पर होगा। जाहिर सी बात है, आप सोचो ना, यहाँ पर एक्स माइनस का है और वाई जीरो के बराबर है, यानी कि वह बिंदु इधर ही कहीं होगी, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 180 में हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर में जीरो, टेन कितना, तो टेन पाई का हो जाएगा, समझ गए ना, टेन पाई, ये जीरो हो गया, तो जीरो का मतलब यह कितना, टेन पाई, इसलिए थीटा बराबर में वो पाई ही ले लेंगे, और इसलिए जो होगा आपका पोलर फॉर्म, यानी कि माइनस तीन का ध्रुवीय रूप जो होगा वह हो जाएगा आपका थ्री, ये मापांक, और फिर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर